अभिनेता शेखर सुमन राज्यपाल से मिलने पहुंचे इसी मामले को लेकर, वो क्या कह रहे हैं मिलने के बाद सुन लीजिए। तुरंत हो जाएगी, लेकिन पता नहीं शायद उनकी मसरूफियत रही हो या इस बारे में वो बात नहीं करना चाहते या क्या वजह है, उन्होंने मुड़ के फिर उनकी तरफ से मेरे पास कोई जवाब नहीं आया। मुंबई पुलिस का कहीं ना कहीं अनऑफिशियल या हमके सूत्रों का जो कहना वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने जो कंप्लेंट मेंशन की है पटना पुलिस में, जिसके तौर पे एफआईआर दर्ज की है, वो कंप्लेंट जब उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया या उनकी फैमिली का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, तब उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हमें किसी के ऊपर शक है या फिर कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी इसमें हो सकता है। मेरे ख्याल से वो चाह रहे थे कि ये बात, तो मैं मानता हूँ कि उनको शुरू में जब ये शुरुआती जांच हुई थी तो उनको ये बातें, इन बातों का खुलासा करना चाहिए था। मुंबई पुलिस इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ है कि इस तरह की कोई घटना घटी या इस तरह के कुछ पेंच अंदर हैं, उनको कहना चाहिए था। अगर नहीं कहा, वो उनका जाती मामला है, किस वजह से नहीं कहा, किस दबाव में नहीं कहा, हम उसमें नहीं जाते, अंततोगत्वा उन्होंने कहा और अब उस पर अमल करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये कह रहे हैं कि अब ये कहना कि ये ज्यूरिसडिक्शन की लड़ाई है, ये क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस में नहीं आता है, ये फला में नहीं आता है, हम काम कर रहे थे, आप क्यों आ गए। अब वो यहाँ पर आए हैं तो उनका सहयोग मुंबई पुलिस को देना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब देखिए समाज के ही एक हिस्सा है, हमसे ही निकल के कोई पुलिस वाला बनता है खाली, तो सबको मिलके एक दिशा की ओर बढ़ना है।